के बाद बात करेंगे धमतरी की, जहाँ पर मानव अधिकार विकास परिषद ने मत्स्य विभाग में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ भिलाई माता मैदान पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी के बाद भी दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के बचाने का प्रयास किया जा रहा है। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि 23 जुलाई को विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिषद ने मत्स्य विभाग के सहायक संचालक और निरीक्षकों पर दस्तावेजों में कूट रचना कर करोड़ों रुपए की राशि के गबन का आरोप लगाया। अन्य मांगों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए परिषद के पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की है। जाल के लिए 10-10 हजार अकाउंट में आएंगे ऐसे करके, और हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मंगाए है ना, हम डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बाद हम लोग कोई चीज का पता नहीं चला। तो अभी जो हम धर्म साहू जी है वो जांच पड़ताल किए और हमारे गांव में जाकर के पूछ परख किए, वो बता रहे थे कि आप लोग के अकाउंट में 10 हजार रुपये आ चुका है। हम लोग बोले कि हमारे अकाउंट में अभी तक 10 हजार नहीं आया। मछुआरों को नाव जाल के लिए 10 हजार देना है तो शासन के रिकॉर्ड में 10 हजार जरूर दिया है, लेकिन मछुआरों को नहीं मिला है। मछुआरे के उसके अकाउंट में डाला है 10 हजार, लेकिन डला नहीं है, ऐसा शासन को रिकॉर्ड सौंपा गया है। तो ऐसा झूठा मतलब दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तत्काल मत्स्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को चारों पर रिपोर्ट दर्ज कर उन पर कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में फिर अनिश्चितकालीन धरना की ओर अग्रसर होंगे, उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होता तो फिर और उग्रवाद आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। रायसेन में नर्मदा, बारना और बेतवा